सो दिस इज एपिसोड 2 ऑफ रमजान रेसिपीज। आज हम बनाने लगे हैं थ्रेड चिकन। इसके लिए हमने बोनलेस चिकन को लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। अब आ जाती है इसकी मैरिनेशन की बारी। मैरिनेशन में सबसे पहले हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस, चिली सॉस। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 egg, सीजनिंग में हम ऐड करेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो। इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मैरिनेशन के लिए सेट होने के लिए रख देना है। अब जितनी ज़्यादा देर ये मैरिनेट होगा उतना ही ये जूसी बनके तैयार होगा। इसके बाद आपने ले रहे हैं समोसा या रोल पट्टी। इसको आपने पतले पतले और लंबी लंबी स्ट्रिप्स पे कट कर लेना है। जितनी स्ट्रिप्स पतली होगी उतना ही आपका थ्रेड चिकन मज़ेदार बनके तैयार होगा। इसके बाद आपने अपना मैरिनेटेड चिकन लेना है, इसको थ्रेड में कोट करना है और अपने हाथों की मदद से इसे प्रेस करके एक लंबे कबाब की शेप पे ले आना है। इसे आप फ्रीज कर लें और रमजान का दस्तरखान इसे सजाए। इसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज किया है, उसके बाद मैंने इसे डीप फ्राई किया है। लो मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल आपने इसको पकाना है और गोल्डन ब्राउन होने के बाद आपने इसे स्टेन कर लेना है। क्यूकम्बर और सलाद और अपनी फेवरेट डिप के साथ इसे सर्व करें एंड एंजॉय। ये रेसिपी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और रमजान की क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने का बेहतरीन हल है। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।